हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो हम इस वीडियो में हम लोग FTP सर्वर कैसे 2016 का जो वर्ज़न है उस पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो अभी मेरे पास, मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सर्वर 2016 इंस्टॉल करके रखा है ऑलरेडी, और मैं आपको इसका प्रॉपर्टी दिखा दूँ। हम यहाँ पे जाते हैं मोर में और स्कीम में प्रॉपर्टी दिखाता हूँ सर्वर की, है ना। तो मेरे पास है सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 5। तो इस पे हम FTP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। FTP सर्वर क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़फुल है अगर हम एज अ IT फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वही है, इसमें बहुत सा आसान तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमारे पास IIS इंस्टॉल होना चाहिए हमारे सर्वर में पहले तो, और दूसरा उसका फीचर क्या कहते हैं, FTP फीचर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वो इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ई ड्राइव उस लोकेशन पर ले जाता हूँ जहाँ पे हम वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, इस जगह पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और उसको शेयर करूँगा ताकि मैं उसको इंटरनेट पे एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए रोल इंस्टॉल, उसका जो फीचर है वो इंस्टॉल करने के बाद हमको क्या IIS का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इस IIS मैनेजर में चला गया। यहाँ पे हमको अब FTP यहाँ क्रिएट करनी होगी, तो हम साइट्स पे क्रिएट करेंगे। एड FTP साइट, इसका नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट FTP। मैंने नाम दे दिया इसका फिजिकल पाथ। इसको फिजिकल पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं सी ड्राइव में इसको डाल देता हूँ ओके करके, और कोई फोल्डर क्रिएट कर देते हैं ऐसे ही है। तो सी ड्राइव में मैं फिर से FTP करके एक फोल्डर ही क्रिएट कर दिया मैंने, FTP001 करके, FTP001 करके मैंने नाम दे दिया ओके। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके यहाँ पे IP एड्रेस पूछेगा, और यहाँ पे अनअसाइन, तो आपको आपको सर्वर का IP एड्रेस देना पड़ेगा ओके। अब यहाँ पे आप यहाँ पे SSL कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए होता तो बेटर है कि आप ना नो SSL कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे अब आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा, तो आप एनोनमस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बेसिक को जो आपको रिक्वायर्ड हो। एनोनमस मतलब कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर पाएगा, आपको नाम ऐसा लिखना पड़ेगा। और हम यहाँ पे बेसिक ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे ऑल यूज़र सेलेक्ट कर देता हूँ और उनको रीड राइट की परमिशन दे देता हूँ मैं, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक FTP साइट मैंने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उसकी डिटेल भी आ रही है, उसको इतना ही बढ़ाएगा। तो इसका ऑथेंटिकेशन FTP का यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दोनों इनेबल्ड है। ठीक है, हमने जो कॉन्फ़िगर किया है, ऑथराइजेशन के लिए यहाँ पे अलाउ है, रीड राइट की परमिशन दिया है वो देख सकते हैं। करंट सेशन में कुछ नहीं, यहाँ पे दिखेगा कि कौन यूज़र है कौन नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास FTP फायरवॉल सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास फायरवॉल है तो हम उसको कोई एक्सटर्नल IP एड्रेस देना है ताकि उसको जैसे नेट कॉन्फ़िगर करते हैं वैसा तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो मेरे पास अभी फायरवॉल नहीं है तो ये IP कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम इसको भी देखते हैं, तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ो। इसके बाद में हमारे पास एक और है FTP यूज़र आइसोलेशन, इसको भी आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। अगर ऐसा कुछ इनमें से सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने हमारा एक FTP क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको देखेंगे एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये सिस्टम का IP एड्रेस मैंने जो लिया है FTP पे, हम एक बार फिर से देखेंगे। ऐसे मुझे पता है बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। हम बाइंडिंग में चले जाते हैं। तो मेरा IP एड्रेस है 192.168.0.9। तो ये मुझे इंटरनेट पे एक्सेस होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये मेरा फिजिकल सिस्टम है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इससे मेरी कनेक्टिविटी है। मैं यहाँ पे अगर CMD में जाता हूँ, CMD करके, और यहाँ पे पिंग करूँगा तो मेरा फिजिकल कंप्यूटर और वर्चुअल मशीन दोनों कनेक्टेड है 192.168.0.9। मैं इसको पिंग कर
पिंग करता हूँ, ओ मेरा ओके मैं फिजिकल मशीन पे इसको पिंग कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे आई पी एड्रेस दिया तो ये पिंग हो रहा है, आई पी एड्रेस दिया 9 मेरा वर्चुअल मशीन का है, और एक यहाँ पे आई पी एड्रेस कुछ दूसरा रहेगा 26 रहेगा इसी नेटवर्क का, ठीक है। तो ये 26 है, इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मुझे अब मेरा जो एफ टी पी है वो यहाँ पर एक्सेस होना चाहिए। तो एफ टी पी को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको इंटरनेट पर भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी ब्राउज़र पे भी एक्सेस करते हैं। सपोज़ हम इस ब्राउज़र पे आई मीन इंटरनेट पे एक्सेस करना, किसी ब्राउज़र पे एक्सेस करना, और ये हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर पे भी। तो अगर हम यहाँ पे उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो क्या लिखना पड़ेगा, FTP:// उसका 192.168.0.9 इसका आईपी एड्रेस मेरा एफटीपी का। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या आ रहा है, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, मतलब मैं यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है इस पे, मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अब हम इसी को यहाँ पे देखेंगे FTP, यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा 0.9। अब मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया और मैं उसको एक्सेस कर पाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया था मेरा, जब मैंने FTP कॉन्फ़िगर किया था तो ये रहा मेरा वर्चुअल मशीन, इसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने दिखाई थी यहाँ पे ऑथराइजेशन करके, या ये हाँ यहाँ पे क्या है, मैंने रीड राइट परमिशन एनी यूज़र को दिया है। तो मुझे अभी क्या हुआ है यहाँ पे, कोई पासवर्ड नहीं पूछा और कोई कुछ नहीं पूछा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सपोज़ ये वाले को डिसेबल कर देता हूँ, अब मैंने ये एनोनोमस को बंद कर दिया है, और अब देखता हूँ मैं फिर से एक्सेस करके मेरे को कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा वहाँ पे कुछ यूज़र नेम के लिए। तो देखिए अभी मुझे यहाँ पे एडमिनिस्ट क्या कहते हैं यूज़र नेम पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके भी सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं कि कौन इसको एक्सेस करेगा, या फिर कितने लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको पासवर्ड दूंगा मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का है, जब मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैंने पासवर्ड दिया तो मैं इसको एक्सेस कर पाया, अभी रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है, इसको अभी रीड राइट की हमने परमिशन दी है इस एडमिनिस्ट्रेटर को, तो इस एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको एक्सेस कर लिया है, इस जो कि मैंने यहाँ पे इस सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया उस एफटीपी को। अगर इस पर्टिकुलर इस एफटीपी की बात करें तो सी ड्राइव में मैं जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो FTP:00 पे अभी कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए फोल्डर एम्प्टी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको मिनिमाइज़ करके इसके अंदर कुछ एक फ़ोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, या कुछ भी रखने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे ये मैं ले लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे मेरे को लॉगिन के लिए पूछ रहा है, क्योंकि मैंने इसको इंटरनेट पे नहीं, ये एक्सप्लोरर पे है, तो मेरे को यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, ये मैंने कर दिया तो ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहे यहाँ पे एक्सप्लोरर ही है, इस इमेज को आराम से कॉपी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ज़्यादा ओपन करके रख लिया है इसलिए ये आ रहा है बार बार, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये मेरा एक्सप्लोरर पे ओपन है और मैं कुछ यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो अभी मेरा यहाँ पे आसानी से ये ड्रैग हो जा रहा है या कोई भी डेटा आ जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या ले रहा था, ये इमेज यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अभी यही चीज़ मैं कहाँ देखता हूँ, मेरे एफटीपी में, तो ये मेरा एफटीपी है सर्वर के अंदर, तो दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई है। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये मेरे मुझे उस क्लाइंट मशीन पे नहीं दिखनी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने एफटीपी से। मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से चली गई। वैसे ही अगर हम इस एफटीपी पे कुछ रखते हैं, मैं इधर से कुछ रखता हूँ, ये टेस्ट वन की एक फ़ाइल कॉपी करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अब मुझे ये इधर क्लाइंट पे दिखना चाहिए या इंटरनेट पे मैं जहाँ एक्सेस करूँ। उसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे टेस्ट बनाया गया है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पे दिखेगी, आप इसको रीलोड कीजिए, दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से हम सर्वर 2016 पे एफटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम, विदाउट कोई एरर। और अगर आपको कुछ परमिशन कॉन्फ़िगर करनी है इस एफटीपी पे, इस फाइल पे, तो आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सपोज आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा और
जिसकी सिक्योरिटी लेवल है उसको आप चेंज कर सकते हो, रीड राइट की परमिशन देना नहीं देना यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल रहेगा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप IIS पे भी जाके जो हमारे यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यहाँ पे यूज़र रहेंगे, कहाँ गया ये, आइसोलेशन, यूज़र आइसोलेशन पे, ये वाला भी नहीं, ऑथेंटिकेटेड यूज़र पे, हाँ इसको आप ऐसे क्लिक करके एडिट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऑथेंटिकेशन ये वाले पे एडिट, नहीं नहीं रीड राइट वाला जो ऑप्शन मैंने दिखाया था ना वो किधर गया, अलाउड ऑल यूजर्स, हाँ ये वाले, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आप इसको कोई एक रीड का देना चाहें तो राइट का चकमा हटा दीजिए, और अगर सिर्फ राइट का देना है तो रीड का चकमा हटा दीजिए, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रीड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम FTP कॉन्फिगर कर सकते हैं आराम से। इस वीडियो में इतना ही था, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और मेरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है CCNA MCITP। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ अभी मैंने वीडियोस भी बनाए थे इसके, CCNA के भी अपलोड किए हैं, तो ये मेरा चैनल का नाम है, यहाँ पे चैनल का नाम CCNA and MCITP, और ये URL है, इसको एक्सेस करके आप CCNA के भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव होगा।